Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आगे भी बढ़िया रहा। तो फ्रेंड, मैंने मुर्गियों को खोल दिया और बत्तख को भी खोल दिया है और अभी हम मुर्गियों को दाना डालते हैं। चलो फ्रेंड, मैंने मुर्गियों को दाना पानी डाल दिया है और बत्तख को मैं थोड़ी देर बाद दाना पानी डालूंगा। चलो ऊपर चलते हैं कबूतरों के पास, उनको दाना पानी डालते हैं। चलो दोस्तों छत पर, फिर आपसे मिलते हैं। आज धूप की वजह से मजा आ रहा है वीडियो बनाने में दोस्तों। चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं कबूतरों के पास, छत पर आपसे मिलते हैं। तो भाई मैं पूछ चुका हूँ छत पर, चलो उनको खोलते हैं दाना पानी डालते हैं। इसके अंडे तो मैंने तोड़ दिए, खराब थे और इसका टाइम रहता है दोस्तों बच्चे देने में। ये अभी बैठ रही है। अरे तू क्या कर रहा है वहां? तो फ्रेंड्स यहाँ से निकलता हूँ, नीचे मुर्गियों के पास चलते हैं। चलो तो फ्रेंड, मैंने फाउंटेन का पानी निकाला है बाहर। इसका पानी गंदा हुआ था, मैंने निकाला। अब ये निकलेगा गंदा पानी, फिर इसमें नया पानी डालेंगे दोस्तों। देखिए पानी निकल रहा है, देखिए कितना गंदा पानी है, मिट्टी है इसमें। देखिए बतख भी वहाँ है। ये इस साफ करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने साफ किया और आधा घंटा लग चुका है इस फाउंटेन साफ करने में और अभी हम उस नल का पानी छोड़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, हम मैंने छोड़ दिया दोस्तों नल्क। तो फ्रेंड्स हम तो भूल ही गए वहाँ वो बंद करने, वरना पानी। तो फ्रेंड्स मैंने वो बंद किया और मुझे, मैं थक गया हूँ दोस्तों और मुझे बहुत सर्दी लग चुकी है दोस्तों। अभी कम्बल में बैठना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस पानी को जमा होने देते हैं, फिर आते हैं हम। फ्रेंड्स मुर्गियों ने दाना पानी खाया, बहुत दाना पानी खाया है, अभी इनको बंद करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फाउंटेन का यहाँ तक पानी भरा है, कल सुबह और पानी भरेंगे, इसमें फुल कर देंगे। तो फ्रेंड मैंने मुर्गियों को बंद किया और बतखों में थोड़ी देर बाद बंद करता हूँ। चलो ऊपर चलते हैं कबूतरों को बंद करते हैं। चलो फिर आपसे। तो फ्रेंड मैंने कबूतरों को बंद किया और बतख को भी बंद किया। ये तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रख।